हटा दो, टकराव हो जाएगा। या तो इनको को आराम से धरना लगा ले अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरीके सर पे खड़े होकर नारेबाजी करेंगे टकराव हो जाएगा, आपको कह रहा हूँ मैं, कंट्रोल कर लो। तो मंगेश चौधरी और इनके जो साथी है, इनके जो जिस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, इनको नहीं गिरफ्तार करेंगे? दो या तीन दिन में जो अध्यक्ष है जी, हम सब ये बोलेंगे। ब्राह्मण समाज चाहता है कि मंगेश चौधरी ने एकदम खुले हमसे गाड़ियां निकाली है, अब डॉक्टर दीपक पारी को समाज में उसको लेकर रोष है। हमने अभी एप्लीकेशन दी है, FIR दर्ज कराई है, मंगेश चौधरी को गिरफ्तार करो। वीडियो कोई दिखा दे डॉक्टर को पीटने का, कहा है आज फिर कह रहा हूं दोबारा आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, डॉक्टर किसी भी जाति का। नौहर में युवती के पोस्टमार्टम के लिए कथित रूप से मना करने का मामला निरंतर तुल पकड़ता जा रहा है। संबंधित डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उप जिला अस्पताल प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को पुलिस थाने का घेराव किया गया। पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील और माकपा नेता मंगेश चौधरी के नेतृत्व में नौहर पुलिस थाने का घेराव किया गया है। इस मौके पर अनेक गांव के ग्रामीण जनप्रतिनिधि धरने पर शामिल हुए। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक घेराव जारी रहेगा। आंदोलन कर रहे लोगों से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने वार्ता की मगर वार्ता बेनतीजा रही। दरअसल गांव ललानिया की 22 वर्षीय छात्रा राजबाला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। छात्रा ने कीटनाशक को दवा समझकर पी लिया। राजबाला BCA फाइनल की छात्रा थी। मंगेश चौधरी ने बताया कि छात्रा की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शनिवार शाम 6 बजे उप जिला अस्पताल आए, मगर घंटों इंतजार के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बाद में सूर्यास्त होने का कहकर सुबह करने की बात कही। आरोप है कि डॉक्टर ने परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। पोस्टमार्टम में प्रयुक्त होने वाला चिकित्सकीय सामान भी बाहर से मंगवाया, इसके बाद भी सुबह पोस्टमार्टम करने की बात कही। रविवार सुबह ग्रामीण और परिजन मंगेश चौधरी के नेतृत्व में उप जिला अस्पताल पहुंचे, मामले की जांच करवाकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बातचीत में शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करने पर सहमति बनी। उप जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर जसवंत मीना ने बताया कि युवती के शव को जब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया उस समय सूर्य अस्त हो चुका था। सूर्य अस्त के बाद पोस्टमार्टम संभव नहीं है, विशेष परिस्थितियों में उच्च अधिकारियों के निर्देश में कार्रवाई होती है। मीना ने किसी भी परिजन के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में इनकार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवती की मृत्यु के मामले में नौहर पुलिस थाना में मर्ग दर्ज की गई है। उधर यहां पारिक धर्मशाला में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष किशोर तिवाड़ी की अध्यक्षता में समाज के लोगों की हुई बैठक में पोस्टमार्टम मामले में एक नेता द्वारा समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की गई। बैठक के बाद थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर समाज के खिलाफ टिप्पणी करने वालों माकपा नेता मंगेश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा डॉक्टर्स ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उन पर अनुचित दबाव बनाकर कार्य करवाने की बात कही। डॉक्टर ने ज्ञापन में बताया कि बिना वजह डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया गया तो डॉक्टर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। नौहर क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नौहर टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक वे फॉलो कीजिए। शाम को एक दलित परिवार की बच्ची के पोस्टमार्टम का मामला था। 6:15 बजे मैंने खुद ने परिजनों के फोन पे बताने के बाद प्रभारी इंचार्ज जसवंत मीणा से बात करके निवेदन किया था कि इस बच्ची का जल्दी से पोस्टमार्टम करवा दो ताकि दाह संस्कार हो जाए। आश्वस्त किया गया मुझे कि साहब 15 मिनट में दाह इसका पोस्टमार्टम करवा दें। वहाँ कोई डॉक्टर था जिनने इनकी नहीं सुनी, इधर उधर फोन पे बात करता घूमता रहा। फिर कहा भांड लेके आओ, भांड ले तो कहे प्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक लाए तो कहे धागा लाओ। ऐसा करके जब वो पोस्टमार्टम करने अंदर गया, बच्ची के ताऊ से उसने गांव पूछा, जाति पूछी, और जाति पूछने के बाद जैसा कि बच्ची के ताऊ ने मुझे बताया, वो अपने औजार वहां छोड़ के बोले मैं पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। कैसी के बाद 12 बोले दिन छिप लो, सूर्यास्त हो गया। जबकि 6:15 से 7:15 बजे के बीच पोस्टमार्टम आराम से किया जा सकता था, जिसको कल खुद डॉक्टरों ने साबित किया। परिवार की मर्जी के बगैर, परिवार के मना करने के बाद भी इसी अस्पताल के प्रशासन ने डॉक्टर को पीछे के गेट से घुसा के मात्र 22 मिनट में बच्ची को चीर फाड़ कर लगा दिया। तो डॉक्टर 22 मिनट में पोस्टमार्टम कर सकता है चोरी छिपे, और वो 1.25 घंटे में नहीं कर सकता। इस बात को लेके बच्ची के बाप ने पुलिस को एक परिवाद दिया डॉक्टर के खिलाफ।
पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उस पीड़ित व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है अपना मुकदमा दर्ज कराना। राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा है कि FIR हर हालत में होगी, जांच करना पुलिस का अधिकार है। दोषी मिले तो कार्रवाई करो, दोषी नहीं मिले तो FIR लगाओ। इसी मांग को लेकर हम पीड़ित के साथ यहाँ आए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी FIR इसके कई अनुसार जो एप्लीकेशन दर्ज होनी चाहिए। अभी एक समाज विशेष के साथी यहाँ माहौल को खराब करने के लिए भी आपके सामने आए, नारेबाजी की जो आपने देखा है। मैं उस समाज विशेष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि 2 साल पहले उसी समाज की बच्ची बच्चे को जन्म देते समय दुनिया छोड़ गई थी, इसी समाज ने इस हॉस्पिटल को घेरा था और तत्कालीन इंचार्ज विनोद मुंड जो जाट समाज से है उसके खिलाफ और उस नर्स के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, तब इनको समाज की याद नहीं आई। आज वो चाहे ब्राह्मण जाति से है, ये अगर उसका पक्ष लेना चाह रहे हैं इस बात के लिए कि हम मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे, तो ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं दाढ़ में कुछ काला है। अन्यथा सामने आके ये कहना चाहिए कि परिवादी की परिवाद दर्ज करो और हमारे पे जांच करो, दोषियों तो कार्रवाई करो, निर्दोष हो तो आप अपना काम करो। ये कहने में दिक्कत कहाँ है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, 1 घंटे का समय इनको हमने दिया है, 1 घंटे में वो अपना विचार विमर्श करके हमें बता दें। अन्यथा जिस तरीके से समाज विशेष के लोग अंदर तक जाके नारेबाजी करके जैसे ज्ञापन दे के आए हैं, ये पूरे बैठे हुए लोग उसी तरीके से थाने में घुसेंगे और हम जाके भी अंदर ही जाके ज्ञापन देंगे। ये प्रशासन रोकना चाहे तो रोक ले, ये मेरा खुला कहना है यहाँ के पुलिस।